देखो, अगर जिंदगी में सारे रास्ते आपके बंद हो गए हैं, आपने पूरी कोशिश कर ली, पूरी मेहनत कर ली, अपने जिंदगी का सारा एफर्ट लगा दिया, अपनी पूरी पावर लगा दी, लेकिन प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ रही, चारों ओर से आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि आपने अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर चुके हो आगे बढ़ने के लिए, इस मुश्किल से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अभी कोई रास्ता ही नजर नहीं आया। आप हर किसी के पास भी चले गए, माँ बाप के पास, दोस्तों के पास, भगवान के पास, पूरी कोशिश लगा ली, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपने अपनी फिजिकल एक्शन, अपनी मेंटल एक्शन सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन फिर भी आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, पूरी तरह हार चुके हो। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? क्या चुपचाप बैठ जाना है? नहीं, हमको फिर से कोशिश करते ही रहनी है। उम्मीद इंसान को कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता, उम्मीद का भी रास्ता आपको सही रास्ते पर लेकर जा सकता है, और लेकर जाएगा अगर आपने पूरी कोशिश कर दी है। क्योंकि इतनी सारी अगर प्रॉब्लम्स आपके काम में, इतनी सारी रुकावटें आपके सामने आ रही, इसके पीछे इसका मतलब बहुत बड़ा रीजन है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। इसलिए कहते हैं कि लास्ट स्टेप तक, आखिरी सांस तक हमको हार नहीं माननी है। अगर हो सकता है कि आप मंजिल के बिल्कुल करीब हो, लेकिन उसी समय अगर आपने हार मान ली है तो आपने अपनी होप छोड़ दिए हो। तो इसलिए होप एंड तक नहीं छोड़नी। अगर आपने होप छोड़ भी दिए तो क्या हो जाएगा? आपको तो जिंदगी जीनी ही पड़ेगी। इसलिए अपनी उम्मीद, अपना विश्वास हमेशा बना के रखना है। अगर ऐसी कंडीशंस आ गई है, चारों ओर से आप प्रॉब्लम से घिर गए, फिर भी आपको खड़े रहकर, अपने आप के ऊपर विश्वास करके, अपने आप पर भरोसा करके, आपको सही वक्त का और रास्ते का इंतजार करना है, और सही रास्ता आपको खोजते रहना है। मंजिल जरूर मिलेगी।